ये जो है ना मैं लाया था भाई पिछले हफ्ते लाया था, और ये देखो थोड़ा थोड़ा बहुत बचा हुआ। की वीडियो में एक नया लुक आ रहा होगा और पूरा शेव वेव कर लिया हमने। तो शेव करने से ये होता है कि यार थोड़े तुम ना क्यूट व्यूट लगते हो, तो मैं तो लग रहा हूँ, बाकी आप लोग भी लगते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और हमने जो पिछली वीडियो अभी जो रिसेंट डाली थी वो हमने लैपटॉप से एडिट करी थी, और जो क्वालिटी आई वो तो क्या ही बोले, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मस्त आई। एंड मैंने वो क्लिप जो है टीवी में देखी, एंड टीवी में जो देखी ना और जो क्वालिटी लगी और जो वीडियो एडिट हुई थी हमारे लैपटॉप में वो बहुत ज़्यादा औसम हुई थी। कभी कभार पता नहीं लैपटॉप में क्या हो जाता है, चलती नहीं रहती, तो कभी कभी तो भैया इतनी मस्त क्वालिटी देता है कि हमें भी नहीं पता कि वो कैसी क्वालिटी देगा, यही है। और बाकी मेरा नाम है कौशल, वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर दिलेकर ब्लॉग्स। तो मुझे लग रहा है कि मेरे पर टोपी अच्छी नहीं लग रही, तो टोपी उतार देता हूँ, क्योंकि यार अभी ना बाल लंबे हैं, और बाल लंबे रहते हैं ना तो उसको चाहिए होती है हवा, और हवा चाहिए होती है कोई आ गया। जस्ट वेट, वो जस्ट अभी बैंक वाले आए थे, वो कह रहे थे कि फ्री में सैनिटाइजेशन हो रहा है घर में तो करवाना है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो करवा लो। मैंने कहा नहीं हमें ज़रूरत नहीं है, मम्मी पहले ही अच्छे से घर साफ़ करके रखते तो क्या सैनिटाइज करेंगे, बेफालतू में आ जाएंगे लोग तो वो, और मम्मी बोलेंगी ना फिर वो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए समझ गए ना, बस अच्छी बात है। और मैं यही कह रहा था कि बाल लंबे हैं मेरे, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब या तो मैं गंजा हो जाऊँ यार, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और गर्मी लगती है ना तो यार मेरे से तो रह नहीं जाता। और अभी बीच में जब गर्मी हुई थी ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि मेरे को सहनी नहीं हो रही थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं गंजा हो जाऊँ यार, बाल बड़ी मुश्किल से बड़े गए थे, देखते हैं क्या होता है, वो सो जो अच्छा हो। और कोशिश करेंगे ये वाला ब्लॉग भी हम अपने लैपटॉप से एडिट करें जिससे आपको क्वालिटी पहुँचे, और क्वालिटी पहुँचेगी तो दिल से मोहब्बत हम दोनों के बीच में रहेगी, कैमरे और हमारे और आपके बीच में, मतलब तीन बंदे रहेंगे मोहब्बत के बीच में, तो ये रहेगा सीन, तो ये वाला भी रहेगा, देखते हैं अब लैपटॉप चलेगा तो, क्योंकि पिछला वाला तो चल गया था एंड बहुत अच्छी एडिट हुई। एंड ये रहता है ना कि तुम्हारा ना लैपटॉप में टाइम नहीं लगता, फ़ोन में यार थोड़ा झोल होता है, मतलब थोड़ा हैंग वैंग हो जाता है, लैपटॉप में ये रहता है कि हैंग भी होगा ना तो सेव हो जाती फाइल, ये रहता है सीन, तो वहाँ से तुम एडिट कर सकते हो, लेकिन फ़ोन में इतना कुछ होता नहीं है। तो पिछली वीडियो में एक चीज़ हम बताना भूल गए कि ये था कि हम जब स्कूल में थे ना, स्कूल में जब हमारा वेट लॉस हो गया था एंड मसल वसल पूरा गेन हो गया था, तो लोगों में चर्चा तो हुई गई थी हमारी, मतलब स्टूडेंट्स में और अपना क्लासमेट तो उन सब में चर्चा हो गई थी, तो मैडमों के नज़रों में भी हम आ रहे थे, और ऐसा आ रहे थे कि वो हमसे कह रही थी कि ये डाइट प्लान बता दो कैसे कम करना है, मतलब दो चार मैडमों ने तो बोला था कि बेटा तुम्हारा वजन तो इतना हो गया तो हमें भी डाइट प्लान दो, क्योंकि वो भी थोड़े थोड़े मोटे थे ना मैम, तो यही सीन था। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि अपने काप्स थोड़े लो कर दो मैम, थोड़ा डेफिसिट चले जाओ, जितनी कैलरी रिक्वायरमेंट होती है तो आप पतले देखना थोड़े थोड़े दिन में स्टार्ट हो जाओगे, तो लेकिन वो कह रहे कि मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो फिर वेट लॉस भी नहीं होगा, यही सीन रहता बस। तो मैं सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट में खाता हूँ कॉर्नफ्लेक्स एंड उसके साथ मूसली खाता हूँ, एंड दो ब्रेड लेता हूँ ब्राउन ब्रेड, और उसमें दो स्कूप पीनट बटर। तो आज क्या हुआ कि आज हमारा मूसली ख़त्म हो गया, तो मूसली देख रहे हो कि यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये खाली मूसली है, तो अभी मूसली भी लेनी पड़ेगी यार, वो भी सीन है, चलो कोई नहीं, वो तो लेना ही है, डाइट में है तो डाइट की चीज़ तो लेनी ही पड़ती है, तो ज़रूर लेंगे। इधर थोड़ा पंखा चल रहा है ना तो आवाज़ नहीं आएगी। अपन को आज तक समझ नहीं आएगी अपन का पीनट बटर है जाता कहाँ है, कि देखो मैंने ना पिछले हफ्ते ऑर्डर नहीं, मतलब गए थे पापा और मैं गए थे लेने के लिए पीनट बटर, मतलब घर का सामान सारा कुछ लेने के लिए गए थे, राशन का जो होता है, तो हम गए थे बिग बाज़ार, तो वहाँ पर भाई फन फूड ही होता है, तो फन फूड ले आया, और जस्ट आज दूसरा हफ्ता है कोई से इधर रख दूँ, तो ये देखो भाई ये मैं सिर्फ ये जो है ना मैं लाया था भाई पिछले हफ्ते लाया था, और ये देखो थोड़ा थोड़ा बहुत बचा हुआ है, पता नहीं यार कहाँ जाता है इतना पीनट बटर, मुझे समझ नहीं आया, मैं तो इतना खाता भी नहीं, लेकिन ये है कि भाई और मैं खाते तो हो सकता है कि दो होते तो दो दो स्कूप खाते हैं तो चार स्कूप हो जाते हैं, तो फिर शायद से जल्दी ख़त्म हो जाता होगा, लेकिन पता नहीं यार, लेकिन तब भी यार इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है, एक किलो का डब्बा यार। हाँ भाई आयो आयो पाजी, आ रहा पाजी, बड़े दिनों बाद पाजी आए हैं, फुल तैयार हो के आयो भाई तुम तो, मैं कह रहा हूँ तुम तो फुल तैयार हो के आयो, मैं तो अभी तक ना आया भी नहीं हूँ, कहीं भी बैठ जाओ। तो आज हमारा है चीट डे, तो चीट डे में हम पहले ले गए हैं, अभी थोड़ा चाउमीन वाउमीन खा लेते हैं, हम चिकन चाउमीन ले गए हैं, तो अभी पहले ये खा लेते हैं,
पाजी रेडी हो? एक हफ्ते से वेट कर रहा हूँ भाई, एक हफ्ते से। एक हफ्ते से हम मतलब इस दिन का हम इंतजार करते हैं कि कब ये दिन आए, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है ना, 6 दिन का इंतजार करना पड़ता है तब ये दिन आता है। तो पहले ये खा लेते हैं। तो चाउमीन हमारी रेडी हो गई, हमने मेयोनीज डाल दी और ये रेड केचप डाल दिया भाई ने। चलो इसे अब जरा पेट के अंदर डाला जाए, फेंका जाए फेंका जाए। बहुत देर से भूख लग रही थी भाई नीचे, वैसे भी यार हम 1 घंटे से ऊपर रह लिए नीचे, अब थोड़ा खा लेते हैं। चौमिन इतनी तीखी थी कि भाई मुंह जल रहा भाई। तो अब हमने डाइट कोक भी लाए थे, डाइट कोक ये पड़ी हुई है, लेकिन हमने सोचा कि चिकन क्या लाया था भाई, चिकन पेटी भाई, मैं तो ड्रैगन बन गया भाई। भाई बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हाल खराब है। हमें पहले ही पी लेनी चाहिए थी डाइट कोक, लेकिन हमने पी नहीं। अब चलो इसी के साथ पी लेंगे। पहला था ना नीचे दुकान, पहली बार खुली है तो पता नहीं था कि इतना तीखा हो सकता है, तो लेकिन था यार। सो वी आर रेडी टू मेक अनदर चीट मील। उसके लिए अब यहाँ पे टोस्टर रखा, पता नहीं मम्मी ने कहाँ रखा है टोस्टर, इधर होगा शायद। हाँ ये रहा बर्गर वाली टिक्की के लिए। तो भाई पहले तो हमें टिक्की गरम तो हम इस पे करते हैं। आधे घंटे की मशक्कत के बाद अपना चीट मील रेडी हो चुका है। एंड बाहर मौसम देखोगे यार, मतलब मौसम देखोगे तो मस्त हो रहा है। तो अभी हम जरा पेट में डाल लेते हैं इसको भी भाई, फेंक लेते हैं फेंक लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। जस्ट अभी खाया एंड मिर्ची जो है ना मुंह में बहुत ज़्यादा लगने लग गई। तो अपना डाइट कोक है देख लो भाई, वो वाली कोक नहीं है, डाइट वाली है। अपनी डाइट वाली तो चलती है, तो इसमें तो कैलोरीज होती नहीं है, तो यही पी रहे हैं। और कल जो है हमने बहुत अच्छा वेटेड स्क्वाट करा, एंड मैंने वो उतने वेट पर कभी आज तक करा नहीं था, लेकिन मैंने कल करा। और जो फिर पेन नहीं हुआ, लेकिन मेरे को अगले मतलब आज पेन नहीं हुआ, लेकिन हाँ वर्कआउट बहुत अच्छा हुआ था हमारा लेग डे का। नाइस। तो बहुत दिन के बाद हमने चीट मील खाई और चीट मील हमें बहुत अच्छी लगी भाई। ये बस चाउमीन हमारा बाहर का था, और जो हमने सैंडविच बनाया था टिक्की बर्गर वाला जो चिकन का था, वो अपना घर का था। तो वो तो घर का, घर की चीज़ तो सारी बढ़िया ही होती है। बाकी बस चाउमीन था वो भी ठीक था, लेकिन बहुत स्पाइसी था एंड होट जला दी। तो अब हमें नहाने भी जाना है, एंड समय अभी 5 बजने में, अभी 15 मिनट है, लेकिन अब जाना पड़ेगा। 5 बजे मैं जाता हूँ यूजली, तो कोल्ड ड्रिंक ख़त्म करके जल्दी जाते हैं, नहा के आते हैं। फिर हमें नीचे भी जाना है, नीचे भी थोड़ी हवा खाएंगे ना, क्योंकि मौसम मौसम है, और मौसम मौसम में हम अगर मौसम के मज़े ना लें तो वो मौसम ही क्या। तो आज नहाने में आधा घंटा लेट हो गया, अभी टाइम देख लो 5:39 हो रहे हैं। तो मैंने सुना है कि एक तूफ़ान आई है मूवी, वो अच्छी है, तो जस्ट वो देख लेते हैं, क्योंकि अभी हम फ्री बैठे हैं, तो फ्री बैठने में क्या करेंगे, तो देख लेते हैं। लोगों प्रॉब्लम बताई थी, तो यहाँ कॉपी हो रहा है फ़ोन से हमारे, अभी फ़ोन में जाएगा एंड एडिट अभी होगी इस पे, अभी हम कर लेंगे एडिट। तो हम सोच रहे हैं कि आज हमने यार पता नहीं मन से नहीं कर रहा था मेरे का ऑमलेट खाने का, तो मैंने एग ही उबाल लिया, अब एग ही खाऊंगा यार, पता नहीं मन से नहीं कर रहा। तो आज की मिला चुकी है, एग खा रहे हैं, एंड आज पहली बार मैं पीनट बटर और सैंडविच खा रहा हूँ ब्राउन ब्रेड के साथ। और एडिट स्टार्ट कर रहे हैं, खा भी लेंगे, खाते खाते हम एडिट भी कर लेंगे। चीयर्स। तो जितने भी फिटनेस एथलीट्स हैं, आपने देखा होगा कि सब चीट मील खाते हैं। तो चीट मील से क्या होता है कि ना तुम्हारा जो बॉडी है ना, वो तुम हर रोज़ एक ही चीज़ खाते हो, तो उस चीज़ पे फिर हो जाता है, तो उसको बूस्ट करने के लिए चीट मील होता है, तो उससे बूस्ट हो जाता है, क्योंकि तुम हर रोज़ वही खा रहे हो तो बॉडी इतना रिएक्ट नहीं करेगी, और एकदम से तुम ऐसी चीज़ डाल दोगे तो बॉडी फिर रिएक्ट करती ना, वो सीन होता है। तो इसलिए लोग चीट मील लेते हैं, और उससे क्या होता है ना, तुम्हारे जो कैलरीज है वो बर्न जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए चीट मील लेते। एडिट हो रही है अभी वीडियो, ये देखो वीडियो बस जस्ट हो ही गई है वीडियो एडिट। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देना, और बाकी मैं यही कहूँगा कि घर में रहो, सेफ रहो, स्वस्थ रहो, और ज़िंदगी का मज़े लो। लेकर साइनिंग आउट, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और हाँ सब्सक्राइब कर दो यार, देखो टाइम देखो, एडिट कर रहे हैं हम।
यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ दिख जाएगा। तो रात के 11 बजे एडिट कर रहे हैं, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना यार। तो चलो बाय।